हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस जो वीडियो है उनमें देखा था कि ईएलडी क्या होता है और उससे हम लोग कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एक्सियल लोड के। तो आज हम उसी का थोड़ा सा रिकैप करके उसके बाद हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो एक सिंपल सा चीज़ देख लेते हैं। एक सपोज़ एक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था, तो ऐसा ही कुछ था। देखो यहाँ पे एक था, एक मैं लोड दे रहा हूँ, यहाँ पे एक लोड दे रहा हूँ, यहाँ पे एक लोड दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अगर एलडी बनाएंगे तो कैसा होगा? तो सिंपल सा बात था, यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं, इसको ईएलडी बना लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा ए हो गया, ए और डी लाइन मेरा। तो यहाँ पे क्या था, लेफ्टवर्ड मींस पॉजिटिव 7p। यहाँ पे मैं एक डंडा बना दिया, यहाँ पे 7p का। नेक्स्ट, यहाँ तक यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट, वहाँ पे फिर से एक लेफ्टवर्ड लोड मिल रहा है, तो मैं फिर से इस पे 8p ऐड कर देता हूँ। कितना हो गया, 15p। तो यहाँ से फिर से जा रहा है, बी से सी तक कोई लोड नहीं है। सी पे आने के बाद 3p राइटवर्ड डायरेक्शन मीन्स नेगेटिव। 15p से 3 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 घट गया, ये आ गया मेरा 12p। तो यहाँ से फिर से ये जा रहा है यहाँ तक, यहाँ पे और कोई लोड नहीं है, ये भी 12p है। दिस इज़ द 12p, और यहाँ पे आने के बाद एक राइट वर्ड 12p मिल रहा है, मीन्स नेगेटिव प्लस 12p और माइनस 12p मिल के 0 हो रहा है, मतलब ये क्लोज हो गया। बस ये पॉजिटिव है सारे, तो ये मेरा ALD बन गया, है ना। ये था सिंपल सा एक न्यूमेरिकल ALD के लिए। ALD मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया था, लेकिन थोड़ा सा करवा रहा हूँ रिकैप। तो ये था ALD। अब इस सेक्शन के लिए 7p लोड, इस सेक्शन के लिए 15p लोड, और इस सेक्शन के लिए 12p लोड। तो हम इजीली इसका चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। देखो, जितना हमारा लोड है यहाँ पे, ठीक है, उस हिसाब से हमारा कितना यहाँ पे, जितना लोड यहाँ पे एक्ट करेगा उतना हमारा यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन होगा, मतलब डंडा बनेगा। यहाँ पे देखो, इसके लिए 7p था, यहाँ पे एक डंडा हो गया। 8p था, इसके लिए एक डंडा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक लोड था 3p के लिए, एक डंडा हो गया। 12p के लिए ये एक डंडा बन गया। तो चार लोड थे, चारों के लिए चार डंडा बन जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि ये जो वर्टिकल लाइंस है ये लोड के मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है, ठीक है, ऑलवेज डिनोट करेगा एक वर्टिकल लाइन। तो इससे भी आप लोग चेक कर सकते हैं आपका न्यूमेरिकल ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये था मेरा ईएलडी प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट, आज हम लोग देखेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेट मेंबर। तो स्टैटिकली डिटरमिनेट मेंबर किसे बोलते हैं हम लोग दोस्तों? स्टैटिकली डिटरमिनेट मेंबर उसे बोल सकते हैं हम जिस मेंबर का हम लोग रिएक्शन और इंटरनल जो फोर्स उसमें एक्ट हो रहा है, इसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं सॉल्व करके। जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इनका आएगा, उनसे हम लोग सॉल्व करके इन मेंबर्स का जो रिएक्शन है और जो इंटरनल फोर्सेस एक्ट हो रहा है, वो सब हम लोग निकाल सकते हैं। इसीलिए स्टैटिकली डिटर्मिनेट, डिटर्मिन कर सकते हैं उसको, ठीक है, इसीलिए हम लोग स्टैटिकली डिटर्मिनेट बोलते हैं। तो आज का जो एक प्रॉब्लम है, मैं दे देता हूँ इसमें क्या निकालना है। इसमें एक चीज़ निकालना है, डेल्टा नेट निकालना है हमें, ठीक है, और
सिग्मा मैक्स बाई सिग्मा मीन, ये जो रेशियो है इसको निकालना है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो मैं देखता हूँ आज का एक बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, ये फिक्स्ड है। यहाँ पे पी लोड एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर है ये है डी, दिस इज डी बाई टू एंड दिस इज डी। ठीक है, तो इसका हमें चेंज इन लेंथ निकालना है और ये निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एल डी बना देंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मैं ये एल डी बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे P एक्ट हो रहा है, देखो और कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स क्या आएगा, ऑब्वियसली P आएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो यहाँ पे P आ रहा है, तो मैं यहाँ पे P एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक डंडा बनेगा P का। ठीक है, अभी पॉजिटिव डंडा P का बन गया और यहाँ से यहाँ तक कोई फोर्स नहीं है, फिर यहाँ पे नेगेटिव P मिला, ये सर्किट क्लोज हो गया, ये मेरा ए एल डी बन गया। ठीक है, ए टू सी, ये मेरा ए एल डी बन गया। क्लियर, तो दोस्तों ये मेरा ए एल डी बन गया पूरा। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। तो जो है दोनों सेक्शंस के लिए P ही एक्ट करेगा। ठीक है, तो डेल्टा नेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा नेट क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। ये सेक्शन वन अगर पकड़े, इसको सेक्शन टू इस हिसाब से लिख रहे हैं, तो ये डेल्टा वन क्या हो जाएगा, पी एल। ठीक है, पी एल, ये सब एल करके हैं, दिस इज द एल, दिस इज एल। ठीक है, ये एल है। ठीक है, पी एल, और सेम मटेरियल है इसलिए ई तो सेम रहेगा लेकिन एरिया चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ई तो सेम रहेगा, सेम मटेरियल है तो ई कांस्टेंट है दोनों सेक्शंस के लिए। तो ए हो गया ए वन ई प्लस पी एल बाई ए टू ई। ठीक है, पी एल बाई ए कितना आ जाएगा यहाँ पे, एरिया पाई बाई फोर डी स्क्वायर ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एल बाई पाई बाई फोर डी बाई टू स्क्वायर इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे देखो फोर आ जाएगा, फोर पी एल बाई पाई डी स्क्वायर ई प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फोर था, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे फिर से फोर, फोर फोर कितना आ जाएगा, फोर इंटू फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन ना, सिक्सटीन आ जाएगा। ठीक है, तो सिक्सटीन पी एल बाई पाई डी स्क्वायर ई हो गया। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको फोर पी एल, इसको कॉमन ले लेते हैं, फोर पी एल मतलब सिक्सटीन पी एल और फोर पी एल मिलके कितना हो जाता है टोटल, और कुछ करने का ज़रूरत नहीं, सब सब तो सेम ही है, तो फोर और सिक्सटीन कितना हो जाता है, ट्वेंटी पी एल बाई ए ई, ए ई नहीं, नीचे क्या था, पाई डी स्क्वायर ई, ये आ जाता है। तो डेल्टा नेट हमारा मिल गया यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा नेट। तो एक आंसर हमने निकाल दिया यहाँ से ए एल डी से, कि ये 20 पी एल पाई डी स्क्वायर ई। क्लियर अप टू दिस, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ दोस्तों, तो इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से।
चलो तो नेक्स्ट हमारा सिग्मा, सिग्मा मैक्स, सिग्मा मैक्स क्या आएगा? सिग्मा मैक्स लोट तो पी था, मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे आएगा? स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा? जब यहाँ पे एरिया कम होगा, एरिया कम होगा, इस ए का वैल्यू अगर कम होगा तभी स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। तो किसका एरिया कम है यहाँ पे? इसका एरिया कम है, तो मैं इसको दे देता हूँ पाई बाई फोर डी बाई टू उसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया द मिनिमम एरिया, मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस मिनिमम एरिया वी आर कंसिडरिंग हेयर। तो पी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 पी बाई पाई डी स्क्वायर हो गया। और मिनिमम कितना आ जाएगा? पी बाई मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया इज पाई बाई फोर डी स्क्वायर मैक्सिमम एरिया। ओके मिल गया ये दोनों। तो इन दोनों को अगर हम, इन दोनों का रेशियो क्या मिलेगा यहाँ पे? सिग्मा मैक्स बाई सिग्मा मीन ये रेशियो आ जाएगा यहाँ पे। सिग्मा मैक्स कितना था? 16 पी पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पी, इसको ऊपर में जाएगा तो 4 पी आ जाएगा, 4 पी पाई डी स्क्वायर। ठीक है, पाई डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, पी पी कैंसिल, 4 4 यहाँ पे आ गया, रेशियो इज 4 आंसर। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा एक न्यूमेरिकल मैंने आपको आज यहाँ पे डिस्कस किया। तो दोस्तों आगे भी और न्यूमेरिकल्स होंगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो इसीलिए मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिए और एक लाइक ज़रूर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो चलिए दोस्तों बाय।